नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डनके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वजन कम करने के लिए अंगूर का रस, जानिए अंगूर के चमत्कारी फायदे के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल डनके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। अक्सर हम बढ़ते हुए वजन से परेशान होते हैं, इसके लिए हम डाइट प्लान और न जाने क्या क्या तरीके अपना डालते हैं, पर वजन है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता है। यूं तो वजन के बढ़ने के कारण कई होते हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ तो हम केवल उस शोध की ओर आपका ध्यान दिलाना चाह रहे हैं जो बढ़ते हुए वजन को रोकने के एक सरल उपाय के रूप में सामने आया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं के अनुसार अंगूर बढ़ते हुए वजन को कम करने में मददगार होता है। चूहों पर किए गए इस शोध के अनुसार अंगूर का रस खून में शर्करा की मात्रा को टाइप 1 दो डायबिटीज में दिए जाने वाली दवा मेटफॉर्मिन के समान कम कर देता है। अर्थात अंगूर का रस वजन को कम करने के साथ साथ रक्त में ग्लूकोज के स्तर को भी कम करता है। इस शोध में चूहों के एक समूह को उच्च चर्बी युक्त भोजन के साथ साथ अंगूर के रस का सेवन कराया गया और एक दूसरा कंट्रोल समूह था जिसे उच्च चर्बी युक्त भोजन के साथ पानी पिलाया गया। तुलनात्मक परिणाम अंग रके रस पीने वाले समूह में वजन एवं चर्बी कम होने के साथ रक्त की शर्करा के स्तर में कमी एवं इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी की बढ़ोतरी के रूप में सामने आए। हाँ, इस शोध में कम चर्बी युक्त आहार दिए जाने वाले समूह पर अंगूर के रस का खास प्रभाव नहीं देखा गया। अंगूर के रस को आधा सीसी की बीमारी में पीने से शरीर को लाभ होता है तथा इससे दर्द भी ठीक हो जाता है। आधा सीसी की बीमारी में अंगूर के रस का सेवन लेकिन सूरज के उगने से पहले करना होता है, तभी इसका लाभ शरीर को होता है तथा आधा सीसी की बीमारी भी जल्दी नियंत्रित हो जाती है। शरीर में शक्ति को बढ़ाने के लिए मुनक्का खाना बहुत ही लाभकारी होता है। खासतौर से सर्दी के दिनों में मुनक्का खाना फायदेमंद होता है, क्योंकि सर्दी में मनुष्य का अधिक अधिक ठंड पड़ने के कारण किसी भी काम को करने में आलस की अनुभूति होती है। ऐसे में आलस को दूर करने और शरीर को शक्तिदान का रहने के लिए था शरीर में गर्मी लेने के लिए मुनक्का का सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है। अगर सर्दी में रोजाना 8-10 मुनक्का को खाया जाए या उसे एक गिलास दूध में उबालकर पिया जाए तो हमारे शरीर को ठंड भी कम लगेगी तथा शरीर में ताकत की भी वृद्धि होगी। सर्दी खांसी में मीठे अंगूर खाना बहुत ही लाभदायक होता है। 100 सेकंड 150 ग्राम अंगूर खाने से बार बार खांसना छिंकाना ठीक हो जाता है तथा शरीर में एनी रोगों के भी होने का भय नहीं होता। हृदय में किसी प्रकार का दर्द हो या किसी प्रकार का रोग हो तो भी अंगूर के रस का सेवन किया जा सकता है तथा अंगूर खाकर हृदय के रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। 100 सेकंड 150 ग्राम हृदय के रोगी को रस पिलाने से हृदय के रोग से राहत मिलती है। अगर कभी किसी हृदय के रोगी को अचानक से हृदय में दर्द हो जाए तो उसे तुरंत 1 कप अंगूर का रस पिलाना चाहिए। ऐसा करने से रोगी के हृदय का दर्द जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अगर रोजाना अंगूर को खाया जाए या उसके रस को पिया जाए तो हृदय के रोगी को हृदय के रोग से हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल सकता है। श्वास लेने या दमे से परेशान रोगी के लिए मीठे अंगूर खाना बहुत ही लाभदायक है। दमे के रोगी को रोजाना 150 ग्राम मीठे अंगूरों का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से दमे के रोगी को श्वास लेने में दिक्कत नहीं होती। अक्सर दमे के रोगी को सीढ़ियों को चढ़ने में परेशानी होती है तथा सीढ़ियों पर चने में उनकी सांस फूलने लग जाती है। ऐसे में दमे के रोगी को प्रतिदिन अंगूर का सेवन करना चाहिए, इससे उनकी सांस भी नहीं फूलेगी तथा दमे में भी आराम हो जाएगा। यदि दमे के रोगी के कफ में खून आता हो तो भी उन्हें मीठे अंगूर को खाना चाहिए। अंगूर का सेवन करने से कफ में खून आना बंद हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को बहुमूत्र की शिकायत हो, अर्थात दिन में कई बार मूत्र आता हो, तो उन्हें अंगूर को खाना चाहिए या अंगूर के रस को पीना चाहिए। रोजाना अंगूर का सेवन करने से या अंगूर के रस को पीने से बहुमूत्र का रोग ठीक हो जाता है। इस रोग से मुक्ति के लिए हम अंगूर की लता की भस्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस के प्रयोग करने से बहुमूत्र के व्यक्ति को जल्द ही लाभ होगा। यदि किसी व्यक्ति के खून में लाल रक्तकण की कमी हो तो उन्हें अंगूर का सेवन अवश्य करना चाहिए। रोजाना सुबह शाम को लाल रक्तकण की कमी वाले व्यक्ति को 100-150 ग्राम अंगूर का सेवन करना चाहिए। इससे खून में लाल रक्तकण की कमी पूरी हो जाएगी तथा खून भी साफ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें।
और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डनके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।